लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। बिहार के लोगों को अब पहले की अपेक्षा महंगी दर पर दूध समेत दूध से बनने वाले अन्य उत्पादनों की खरीदारी करनी होगी। दरअसल बिहार में दूध की सबसे बड़ी उत्पादक डेयरी संस्था सुधा ने दूध समेत अन्य उत्पादों की कीमत में आज से बढ़ोतरी की है। दूध के साथ दूध से बनने वाले अन्य उत्पादनों के दाम आज से बढ़े हुए मिलेंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने फैसला लेते हुए सुधा दूध के साथ अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुधा दूध प्रति लीटर औसतन 2 रुपये महंगा हो गया है, जबकि अन्य उत्पादों में 10 से 20 रुपये तक की वृद्धि हुई है। कंप फ्रीडम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पेट्रोलियम और बिजली के दामों में वृद्धि के कारण दर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही पशुपालकों द्वारा भी दिए जाने वाले दूध की दर बढ़ाने की मांग होती रही है। अन्य सरकारी डेयरी ब्रांडों के दूध उत्पादनों पर देश भर में पहले से दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। सुधा का दूध क्रीम जो पहले 50 रुपये में मिलता था, अब 52 रुपये में मिलेगा। स्टैंडर्ड दूध 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 43 रुपये की जगह 46 रुपये दाम हो गया है। वही गाय के दूध में भी 41 की जगह 43 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। ट्रोल्ड 39 की जगह 41, डबल ट्रोल 36 रुपये की जगह 37 रुपये, टी स्पेशल दूध 38 रुपये की जगह 40 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। वही घी के दरों में भी वृद्धि की गई है। आधा किलो घी का दर 230 रुपये की जगह अब 250 रुपये में और मक्खन 100 ग्राम 46 की जगह 42 रुपये में मिलेगा। वही गुलाब जामुन 210 की जगह 220 रुपये प्रति किलो मिलेगा। साथ ही पशुपालकों को दी जाने वाली दर में भी कंफ्रेडन ने प्रति किलो 1 रुपये 36 पैसे से 2 रुपये 43 पैसे तक बढ़ा दिया है। दूध उत्पादकों द्वारा लागत मूल्य में वृद्धि करने की लगातार मांग की जा रही थी। अलग अलग फैट के दूध में नई कीमत तय की गई है, जिसका भुगतान अब पशुपालकों को भी की जाएगी। पशुपालकों की नई दर 11 फरवरी से मिलेगी। पशुपालकों को अब 30 रुपये 74 पैसे प्रति किलो से लेकर 39 रुपये 57 पैसे प्रति किलो दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही दूध के मूल्य में करीब 0.5% समिति सचिव मार्जिन में वृद्धि की गई है। राज्य भर में प्रतिदिन 17.5 लाख किलो दूध समिति द्वारा एकत्र किया जा रहा है। इस दूध को पाउच में पैक कर प्रतिदिन 16 लाख लीटर दूध की बिक्री की जा रही है। साथ ही 2.5 लीटर दूध के समतुल्य इसके उत्पादन की बिक्री की जा रही है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।